India's rich cultural heritage has so much to offer, especially in the realm of art. Each state boasts of its own unique painting style, handicrafts, each more fascinating than the last. Today, let's dive into the world of culture and tradition organized by Crafts Council of Karnataka in association with Creative Dignity. मेरा नाम सुखीराम मरावी है, गोंड पेंटिंग्स बनाता हूँ। मेरा नाम मानिकचंद महतो है, सोहराय आर्टिस्ट। मेरा नाम मुकुल जोशी है और मैं जो अपने आर्ट फॉर्म है पिछवाई है। Crafts Council of Karnataka is an NGO which supports crafts communities. Especially, we try to revive the languishing crafts, and we do it in Karnataka. And also, we support crafts from all over India. So, we do lot of skill development programs and design development programs in the craft clusters. And this Kutira exhibition is an exhibition where we provide a marketing platform for the craftspersons from all over India. Kutira is an event where you can buy and interact directly with the artisans, each brimming with stories and years of experience. This event provided a unique chance to connect with Gond, Pichwai and Sorai artisans in Namma Bengaluru. Gond painting, awarded the GI tag, is now featured in museums around the globe. But what is Gond painting? मैं गोंड ट्राइब से हूँ और गोंड पेंटिंग्स बनाता हूँ। 30-40 साल से ये पेपर शीट और कैनवास में बनाने का विधा चालू हुआ, तो ये पहले नहीं हुआ करता था, नेचुरल कलर होता था। भी गोंड आर्टिस्ट अपना गोंड कला को बनाता है तो एक लाइन और डॉट का उपयोग होता है इसमें अधिकतर, जो पहले से भी हुआ करता था। तो जैसे मैंने भी इसमें डॉट और लाइंस का इस्तेमाल किया है, जो इस प्रकार से नेचर से ही रिलेटेड है, आदमी पेड़ और जानवरों का ही है, क्योंकि इनका संबंध पहले बहुत अच्छा हुआ करता था कि अगर आदमी कुछ बोले तो कोई भी जानवर अगर उनको बोलता था तो वो सुनता था और वो भी अपनी बात इंसान से कहता था। ऐसे ही पेड़ों के साथ भी है, तो आपस में एक परस्पर संबंध था। टॉकिंग टू द गोंद आर्टिस्ट मेड मी रिफ्लेक्ट ऑन हाउ मच वी हैव लॉस्ट आवर डीप कनेक्शन विद नेचर। नेक्स्ट अप इज द वर्ल्ड ऑफ पिछवाई पेंटिंग्स। दीज ब्यूटिफुल आर्टवर्क्स capture the stories of Lord Krishna in vibrant detail. Pichwai Nadwara Temple से belong करती है और Nadwara Temple उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर के पास में है और इसके अंदर हम श्रीनाथ जी के ऊपर सारा ही इनके अलग अलग दर्शन को बनाते हैं, इनके अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं उनको बनाते हैं। और हमारा जो पेंटिंग है वो कॉटन क्लॉथ के ऊपर बनता है, इसके कलर्स नेचुरल स्टोन पिगमेंट्स होते हैं, उनको ग्राइंड करके डस्ट फॉर्म में लिया जाता है, डस्ट फॉर्म के बाद में उसमें ट्री गम वगैरह मिला करके सारे कलर्स बनाए जाते हैं। ये जो कलर्स है ये स्टोन पिगमेंट्स न्यू कलर आप है तो अंगीरा नील की जो खेती होती है वो अंगीरा नील हो गया, येलो कलर है तो हड़ताल हो गया, रेड कलर है हिंगलू हो गया, इस तरीके से पर्टिकुलर इन कलर्स के अलग अलग नाम है। तो सबसे इसके अंदर जो कलर मिक्सिंग का काम करता है वो जिंक पाउडर होता है, वाइट जिंक, उसको मिक्स करके फिर यूज़ करके सारे अलग अलग कलर्स हम लोग बनाते हैं। इसमें 24 कैरेट्स रियल गोल्ड फॉइल्स का यूज़ होता है, सिल्वर फॉइल्स का यूज़ होता है और इसके जो अलग अलग दर्शन बनते हैं जिसमें मुख्य है अन्नकूट, दान लीला, 84 बैठक, शरद पूर्णिमा श्रृंगार, गोपा अष्टमी, ये सारे इसके अंदर हैं। इनके मेन मोटिव्स जो हैं जैसे गाय है, कमल है, पिकॉक है, तो इन मोटिव्स को लेकर के अगर कोई नॉन गॉड्स के ऊपर काम करना चाहता है तो वो नॉन गॉड्स में इस तरह के मोटिव्स लेकर के भी काम किया जा सकता है। Our final stop took us to the lively world of Sorai painting, a tribal art form full of symbolism. ये नेचुरल कलर है स्टोन का, ये ब्लैक का स्टोन जैसे कोयला जो कहते हैं, और ये हो गया गेरू स्टोन जो रेड में है, और ये पीला वाला गेरू स्टोन, और ये वाइट वाला दूधी मिट्टी, चार कलर से होता है। ये जो मिट्टी है हमारे जंगल में, गांव के जंगल में पहाड़ में है, उससे ला के हम लोग अपना घर को सजाते हैं। एक दिवाली त्यौहार होता है उसी में अपना घर को पूरा
सजाते हैं और एक लक्ष्मी पूजा होता है उसमें पूजा करते हैं, उसी का नाम है सोहराय पर्व। दीवार में उतना नहीं यूज हो रहा है, कहे कि पहले का जमाना में मिट्टी का दीवार होता था और अभी है कि सबका पक्का मकान हो गया। पक्का मकान में मिट्टी नहीं यूज करना चाहता है, बोलता है कि गंदा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसलिए अभी हैंडमेड पेपर और कैनवास में और यही सब बैग में वुड लकड़ी वाला सामान में। ये मेरी मम्मी है, इससे हम सीखे हैं और ये अपना मम्मी से सीखी है और इसी तरह चलते आ रहा है। द क्राफ्ट काउंसिल ऑफ कर्नाटका हेल्ड सेवरल वर्कशॉप्स ड्यूरिंग द एग्जीबिशन टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज एंड पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जेनरेशन। Join us in honoring and protecting the art that shapes our culture. Together, we can keep these stories alive. Like, subscribe and share the Thruvai lifestyle. Continue to be amazing.